अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल अबियास फैशन एंड क्रिएशन। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी में बनाने लगे हैं कद्दू। और ये बहुत थोड़ी डिफरेंट रेसिपी बनाएंगे हम कद्दू बनाएंगे काली मिर्च के साथ, और ये बहुत डिफरेंट होगा खाने में, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो इसमें जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो टोमेटोज हैं, टमाटर काट लें, ग्रीन चिलीज़ हैं, एक लेमन है और कद्दू है, और हमने ये दो मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो चॉप कर ली है। बहुत इजी मेथड है इसका, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं तेल गरम करें, उसमें आपने प्याज डाल देनी है, ठीक है। प्याज डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर हम रखेंगे। हमने प्याज डाल दी ऑयल में, साथ ही हमने इसके अंदर अपना सब्जी जो है कद्दू की वो भी डाल दी। कद्दू डाल कर इसको ज़रा मिक्स करें, एक मिनट के लिए इसको मिक्स किया सारी सब्जी को। अब हम साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर, और इसमें हम पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो टमाटर दे दो, इसमें हमने डाला पानी। बहुत आसान रेसिपी है, आप बस इसको चढ़ा कर, तो आप बेशक अपना कोई और काम कर लें, ये मीडियम आंच पर पकता रहेगा। ओके, पानी से इसको और डालूँगी। पानी हम डालेंगे कि जिसमें जो कद्दू है वो गल जाए, ठीक है। मैंने इतना पानी डाला है कि इसमें कद्दू और प्याज और टमाटर सब इकट्ठा डाल देना है, ठीक है। अब हम इसके साथ में टमाटर भी डाल देते हैं, सब कुछ इकट्ठा चढ़ा दें, वेरी इजी टू कुक, ठीक है। टमाटर भी डाल दिए, बस टमाटर डाल के अब हमने इसमें डाल देना है नमक, ठीक है। मैं इसमें नमक डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप नमक डाल दें। मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इसमें नमक ही डालूंगी। इसमें जाएगा जी हाफ टी स्पून नमक, ठीक है। नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद मिक्स करें, मिक्स मिक्स मिक्स, और मिक्स करने के बाद बस इसको आप लिड लगाकर पकने के लिए छोड़ दें, ठीक है। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको भूनेंगे, उस वक्त हम इसमें काली मिर्च और ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। इसमें हम पुदीना और कसूरी मेथी डालेंगे, उसी से इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा है तो उसको पकने के लिए हम रख देते हैं। हाँ जी, तो अब पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट गल गई है। तो अब हम इसमें भूने के साथ साथ और इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर जो है वो हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून लेवल जो है वो डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें ग्रीन चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, तो और ब्लैक पेपर हॉट होती है, तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेवल करके डाली है इसको, मैं और इसको मैं तरह से भून रही हूँ, ठीक है। थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे, उसके साथ हम इसमें कुछ जो हरा मसाला ऐड करेंगे वो उसमें हमने पुदीना लिया है, उसको मोटा मोटा काट लिया है, और हरी मिर्चें कुछ काटती हैं, कुछ साबुत हैं, थोड़ा सा गर्म मसाला है, हाफ टी स्पून से कम है थोड़ा, और 1 टीस्पून फुल जो है वो कसूरी मेथी है, और लेमन जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, ठीक है। और वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कुछ
ऐसी डिशेज जो नॉर्मल घरों में बनती हैं, सब्जियां हैं जैसे दालें हैं, तो वो मैं बनाऊं बिगनर्स के लिए, ताकि इस तरह के खाने जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर जो बनते हैं वो अच्छे से लड़कियों को आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, ताकि इनका भी प्रॉपर फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। इसको अच्छे से भूनेंगे हम, साथ साथ आपने सब्जी को इस तरह से मैश कर देना है। तो भूनते रहेंगे इसको थोड़ी देर के लिए हम, इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च का जो है बहुत मज़े का फ्लेवर शामिल हो गया है, और इसको थोड़ा देर भुना जाएगा। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, आप ब्लैक पेपर जो है वो अपने हिसाब से टेस्ट करके एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, और कुछ जो है वो साबुत मिर्च भी डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसके साथ ही पुदीना डाल रही हूँ, और इसको भी हम भून लेंगे, क्योंकि पुदीने का बहुत ही मज़े का फ्लेवर कद्दू की सब्ज़ी में आता है। काली मिर्च की जो रेसिपी है इसमें पुदीना जो है वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से पुदीने के साथ भूनेंगे, ठीक है। गर्मियों की सब्जियां हैं ये, गर्मियों में हम खाते हैं, और ताज़ा ताज़ा बनाकर गरम गरम रोटी के साथ ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बच्चों को भी दें सब्जियाँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है वो बहुत ही फुल ऑफ न्यूट्रिएंट हैं, और हमें अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार लाइट सी सब्ज़ी है ये, और आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बिस्टी क्राफ्ट और स्टिचिंग की वीडियोज़ के साथ साथ कभी कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी मैं अपने चैनल में डालती रहूँ, कुकिंग वगैरह की, तो साथ साथ सब चलता रहेगा। मैं किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं है कि बस कुकिंग ही है, सब कुछ इंशाल्लाह इसमें टाइप की वीडियोज़ बनती रहेंगी। आप मेरे पेज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, मुझे आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब ये हम इसको भून रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा दो चार मिनट हम इसको और भूनेंगे, चीखों की आवाज़ें जो आ रही हैं इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर पर मौजूद हों तो फिर ये सब तो बेहतर है, ठीक है। ये हो गया, ये ऑलमोस्ट जो है हो चुका है। लास्ट में कसूरी मेथी डालकर हम इसको 6 से 8 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, और उससे पहले जो लेमन है वो मैं इस पर डाल रही हूँ, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ लेमन जो है आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब गरम मसाला और जो मेरे पास मेथी है वो मैं इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी, तो ये इसको फिर हम दम पर रखेंगे, ठीक है। ये हमने डाल दिया है, आँच को हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं, और ये दम पर जो है अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, बिल्कुल स्लो लो फ्लेम पर, ठीक है। फिर मैं उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक जो है दिखाती हूँ। ओके जी, डन हो चुका है ये, हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए हमने दम पे रखा, और अब इसको हमने सब कुछ मिला दिया है, और सब्ज़ी जो है तैयार है। आई होप आपको पसंद आएगी, आप अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।